एक्टर और निर्देशक अमोल पालेकर का जन्म 24 नवंबर 1984 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अमोल ने काफी काम किया। हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए उनका नाम सुनते ही फिल्म गोलमाल के राम प्रसाद का नाम सामने आ जाता है। फिल्म में राम प्रसाद अपनी नौकरी बचाने के लिए डबल रोल का सहारा लेकर लड़की के पिता को बेवकूफ बनाते हैं। इसमें उनका अभिनय देख दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। संजीदा अभिनय के अलावा अमोल पालेकर अपनी कॉमेडी से भी दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहे। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में आने से पहले अमोल बैंक में काम किया करते थे। बैंक ऑफ इंडिया में वो क्लर्क के पद पर काम करते थे। इसके अलावा अमोल पालेकर सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। अमोल पालेकर के हिंदी सिनेमा में आने के पीछे एक खास शख्स थे, कोई और नहीं उनकी गर्लफ्रेंड चित्रा थी। चित्रा एक थिएटर आर्टिस्ट थी और उनकी छोटी बहन की क्लासमेट। धीरे धीरे चित्रा और अमोल पालेकर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो वक्त भी आया जब दोनों को लगा कि उन्हें अपना ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। अमोल पालेकर और चित्रा के बीच जो प्यार पनपा, उसके पीछे वजह दोनों की रुचि एक जैसी। अमोल बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, चित्रा उनकी कला की दीवानी थी। दोनों ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करते। यही वजह रही कि अमोल ने फिर चित्रा के थिएटर रिहर्सल पर भी जाना शुरू कर दिया। यही एक दिन अमोल पालेकर की मुलाकात सत्यदेव दुबे से हुई, जिन्होंने उन्हें अभिनय क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित किया। निर्देशक बासु चटर्जी ने अमोल पालेकर को एक फिल्म के लिए लेना चाहा, जिसमें उनके साथ जया बच्चन थी, लेकिन अमोल ने मना कर दिया। इसके बाद बासु चटर्जी एक बार फिर अपनी अगली फिल्म के लिए उनके पास पहुंच गए। हार कर अमोल ने वो फिल्म साइन कर ली। फिल्म सुपरहिट रही और अमोल का करियर आगे बढ़ गया। पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।